जब से हमारे देश की मीडिया गोदी मीडिया बनी है तब से वो हमें ऐसे ऐसे कारनामे करके दिखा रही है लाइव डिबेट में कि बस हमारा सर चकराने लगा है। हमें यकीन नहीं हो रहा यार कि ऐसा भी हम लाइव डिबेट में कभी देखेंगे। मतलब गालियां वो तो आम हो चुकी है। अबे साले सिगरेट, चलो वहां तक भी ठीक था लेकिन अब तो एंकर खुद दारू पी के बैठने लगा है यार। सेंटीमेंट है ना वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा कुछ भी कि हमने एक ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। क्या बोले मैं समझा नहीं। ऐसा जर्नलिस्ट खो दिया है। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। दीपक चौरसिया अर्थात कौवा, इसी नाम से जानते हैं ना सब उसको। यार उनकी एक वीडियो वायरल हुई थी ये वाली और मुझे लग रहा है कि ये वीडियो मुझे पूरी दिखाने की जरूरत नहीं है, आप तक पहुंच गई होगी क्योंकि आग की तरह फैली है ये। जब एक टीवी पे एंकर लाइव शो में दारू पी के कुछ भी बक रहा है, सारे मिलके हमको पागल बना रहे बच्चे। आखिरकार उस दारू वाले कांड के बाद हमारे महान पत्रकार श्री 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 दीपक चौरसिया अर्थात कौवे जी ने अपनी सफाई दी है। चलिए आपको हम उनकी सफाई दिखाते हैं कि उन्होंने अपने ट्विटर पे अपनी क्या सफाई दी है, तो चलिए देखिए। पिछले 3 दिन से आप लोगों ने जो मेरी चिंता की उसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे कुछ बातें साफ कर देनी चाहिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप सभी को वीडियो देखकर जो लग रहा है वो सच नहीं है। अच्छा, सच ये है कि मेरे घर में शादी थी और बारात में ज्यादा डांस करने के कारण मेरे घुटने की पुरानी चोट दर्द करने लगी। सो जिस मसले पर था मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता था और सो पूरी तरह से ठीक जाए इसलिए मैंने पेन किलर खा ली। आपको बता दूं मेरे घुटने में हेयर लाइन फ्रैक्चर है। अच्छा, और मेरी गलती ये थी कि पेन किलर ज्यादा लेने से साइड इफेक्ट होता है और ये बात मुझे पता नहीं थी। अरे मिलके हमको पागल बना रहे, इसलिए पेन किलर खाने के बाद मेरी तकलीफ कम होने के बजाय ज्यादा बढ़ गई। वीडियो देख तरह तरह की बातें बनाएगी जो सच नहीं है। मुझे पत्रकारिता में 25 साल से ज्यादा हो चुके हैं इसलिए मुझे किसी पत्रकारिता के इथिक सीखने की जरूरत नहीं है। मैं अपने चाहने वालों से दिल से माफी मांगता हूँ। साथ ही पिछले 3 दिनों से देश के कोने कोने से मेरी चिंता जताने वाले शुभचिंतकों का आभारी हूँ। आप लोगों का प्यार और सहयोग इसी तरह से मिलता रहे इसी उम्मीद के साथ, आपका प्यारा कौवा चौरसिया। काँव काँव। अरे क्या बचकानी बातें कर रहा है यार तू। सबको पता है कि पेन किलर से दर्द कम होता है, बढ़ता नहीं है। oh, no. और ये जो तू सर पकड़ा था ना वहाँ से साफ पता लग रहा है भाई, जो अंदर तुम्हारे 10-15 पैक गए है ना वैसे जरूर बन के तुम्हारे दिमाग में चल रहे हैं और तुमसे बोला भी नहीं जा रहा। दीपक चौरसिया दारू पी के बेवड़ों की तरह फुल कुछ भी पके जा रहा था तो स्टूडियो वालों को समझ आ गया था कि भैया ने आज ज्यादा ले लिया, इनको अब हटा देते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि सिर्फ 5 मिनट में उनको वहां से हटा दिया और दूसरा एंगल लाके बिठा दिया। अब आप खुद सोचिए यार कि जो कम से कम 1 घंटे का शो चलने वाला था उसको सिर्फ 5 मिनट में इन्होंने कम्प्लीट कर दिया। समझ आता है भैया सबको है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। नहीं है बहुत पहले का है, मुझे तो उसी दिन इस पे शक हो गया था जिस दिन उसने ये वाली पोस्ट डाली थी। ची 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 ची। इसकी ये वाली पोस्ट देख के हमें उस दिन समझ आ गया था कि भैया ये 1 नंबर का सारा क्या बोल में टोपीबाज आदमी है। ऊपर से कैसा ही है, अंदर से कैसे और नीचे से चंडीबाज। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। रिश्तेदार की शादी में इतनी दारू पी कि पता ही नहीं लगा कि कब रात कट गई। रिश्तेदार की शादी में इतनी दारू पी कि पता ही नहीं लगा कि कब रात कट गई। जब सुबह स्टूडियो पहुंचा तो फिर भैया जी की फट गई। मजा आया। तो बस यार आज की वीडियो को यही खत्म करते हैं और ये दुआ करते हैं कि ऐसे पत्रकार फिर कभी दारू पी के ना बैठे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो चलिए भी मिलते हैं बहुत जल्द नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। और देखो सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो और कमेंट भी। टाटा।